Example showing the calculation for bench blasting is carried out. So here's the condition. If you want to keep the bench height as 15 meter, so and width of the round is 26 meter, blast hole dia is 76 mm, rock constant with VTAC is 0.4, hole inclination is 3:1, and explosive to be used is Emulate 150, and 65 mm plastic hose is dropped into the hole. ये उसकी कार्ट्रिज है, तो कार्ट्रिज सर जी, सर ये होल इंक्लिनेशन क्या होता है सर? एंगल ऑफ द होल, यानी बाद अवकात हमारे पास, हम जब ब्लास्टिंग करते हैं तो वर्टिकल रखते हैं ब्लास्ट होल्स को, बाद अवकात उसको थोड़े से एंगल पे रखते हैं, ठीक है। तो 3:1 का क्या मतलब है कि जब हम 3 मीटर नीचे जाते हैं तो 1 मीटर पर 3 मीटर परपेंडिकुलर अगर हम रखते हैं तो 1 मीटर हम बेस रखते हैं, ठीक है। तो 3:1 वो जो एंगल बनता है, हाइपोटेन्यूज का जो एंगल पर बनता है, ठीक है। तो उसके लिए हम डिफरेंट पर्पजेस के लिए होल इंक्लिनेशन चेंज करते हैं। बाद अवकात हम बिल्कुल वर्टिकल रखते हैं, बिल्कुल 1:1, और बाद अवकात हम उसको एंगल पर रखते हैं, depending on the requirement of the blast. Okay, so here's the condition. Charging condition is dry holes. Okay, so in this case, to calculate the maximum burden, which we use formula 1.45 of bottom charge, under root of the bottom charge. So in this case, charge concentration is found in table 1A and is in case of 5 kg per meter, no correction for the hole inclination or rock constant, क्योंकि hole inclination already 3:1 है, तो उसके में उस केस में हम वो नहीं करते, correction नहीं रखते। और ये अगर हम table देख ले, table 1A अगर हम देख लें, ये है ये वैल्यू टेबल 1 से इन्होंने ली है जो चार्ज कंसंट्रेशन है। डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशंस यू कैन कैलकुलेट, यू कैन टेक आउट द वैल्यू ऑफ चार्ज कैलकुलेशन फ्रॉम टेबल 1A। सो बाय पुटिंग दैट वैल्यू वी गेट 3.24 मीटर ऑफ द मैक्सिमम बर्डन। इसी तरह सब ड्रिलिंग के लिए ये फार्मूला है, तो ऑलरेडी हमने मैक्सिमम बर्डन कैलकुलेट की है। सब ड्रिलिंग भी हमारे पास 0.97 मीटर हम सब ड्रिलिंग करेंगे इस कंडीशन में। डेप्थ ऑफ ब्लास्ट होल इज इक्वल टू दिस फार्मूला, तो इन दैट केस बेंच हाइट इज 15 मीटर, सब ड्रिलिंग इज 0.97 मल्टीप्लाई बाय 1.05, तो हमारे पास डेप्थ ऑफ द ब्लास्ट होल आ जाएगी 16.76 मीटर टोटल हमारे पास डेप्थ आ जाएगी ड्रिलिंग की। एयरलाइन ड्रिलिंग जो हम अलाउबल है वो 0.58 मीटर है, ठीक है। In this case, if we have dia of the hole is 76 meter and height of the depth of the hole is 16.76, so we can calculate the error in drilling, or we can say faulty drilling. Practical burden is maximum burden minus faulty drilling, which we can calculate as 2.66 meter. Sir, ye burden kaise meter mein aate hai iska answer, iska matlab kya? किस चीज का सर ये एम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है आंसर में, बटन में? मीटर, ये यूनिट है सर, मीटर। हाँ हाँ सर, इसका क्या मतलब हुआ कि बटन और मीटर में आंसर आ रहा है? इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से अभी ये फर्स्ट होल है, ठीक है, और ये फ्री फेस है, तो ये इतना मीटर होना चाहिए ये डिस्टेंस, यानी आप जब ओके सर होल जब ड्रिल करेंगे तो इतने मीटर के फासले पर होना चाहिए प्री फेस से। मतलब सर बर्डन का टरेंज फाइंड नहीं करना, सिर्फ ये वो फाइंड करना है? नहीं नहीं नहीं, कितना फाइंड करना, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है कि मैं पहला ब्लास्ट पहला ड्रिलिंग में कहां पर करूं, बेंच से कितना दूर मैं ड्रिलिंग करूं। ओके सर, ओके, सो दैट इज प्रैक्टिकल बर्डन। प्रैक्टिकल स्पेसिंग हमारे पास जो है 1.25 ऑफ द बर्डन होता है, ठीक है। तो स्पेसिंग हमारे पास ये आ गया, तो बिटवीन द होल्स, एक बर्डन क्या है कि
बिटवीन द फेस एंड द फर्स्ट रो ऑफ द होल, और फिर हम अगर ये पूरा रो है तो एक ब्लास्ट होल के से दूसरे ब्लास्ट होल के दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो फिर स्पेसिंग है, ठीक है. स्पेसिंग इज 1.25 ऑफ द बर्डन, विच इज 3.32 मीटर स्पेसिंग है, और टू वो क्या है 2.66 मीटर प्रैक्टिकल बर्डन है हमारे पास, ठीक है. एडजस्टमेंट फॉर वेट ऑफ द राउंड, तो दैट इज वेट ऑफ द राउंड डिवाइड बाय स्पेसिंग, ठीक है. तो एयर स्पेसेस हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है, यानी हमारे पास अगर वेट 26 मीटर है पूरे बेंच की, तो इसमें हमने कितने हम होल करेंगे ड्रिलिंग के लिए, कितने ब्लास्ट होल्स बनाएंगे, तो वो डिवाइड बाय आप स्पेसिंग करें तो आपको पास आ जाएगा, उसको राउंड अप करें एट स्पेसेस आ जाते हैं, ठीक है, यानी इतने वेट में आप 8 ब्लास्ट होल्स ड्रिल करेंगे. और उसकी एडजस्टमेंट क्या है, वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पेसेस आर रोज. अच्छा, तो ये स्पेस एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं. अभी हमने स्पेसिंग कैलकुलेट की है, यहाँ पर जो हमारे पास आई है 3.32. लेट सपोज आप 8 ड्रिलिंग होल्स करना चाहते हैं, तो ये यार चूंकि हमने राउंड अप कर लिया है, ये 7.3 एग्जैक्टली आ रहा था, हमने राउंड अप कर लिया, तो ये राउंड अप भी फिर हम स्पेसिंग में भी इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली स्पेसिंग करना चाहे 8 होल्स की, तो फिर हमारे पास ये आ सकती है 3.25 मीटर. उसको स्पेसेस नंबर ऑफ स्पेसेस पे डिवाइड करें तो आपके पास एडजस्टमेंट आ जाएगी इन स्पेसिंग. सो इट बिकम्स 3.32 इट बिकम्स 3.25 टू हैव ऑल द बोर होल आर द ड्रिलिंग होल्स इक्वली स्पेस्ड, ठीक है. स्पेसिफिक ड्रिलिंग क्या है, विच वी कैलकुलेट द ड्रिलिंग पर क्यूबिक फीट पर क्यूबिक मीटर, हम कितना ड्रिलिंग करेंगे, यानी अगर एक क्यूबिक मीटर स्ट्रेटा को ब्लास्ट करने के लिए हमने कितनी ड्रिलिंग करनी चाहिए, सो दैट इज मीटर 0.145 मीटर इन दिस केस पर क्यूबिक मीटर, ठीक है. जरा कंसेंट्रेशन ऑफ बॉटम चार्ज किस तरह कैलकुलेट करेंगे, सो इन दैट केस एज वी नो बॉटम चार्ज इज 5 केजी पर मीटर, सो इन दिस केस आई बी इज इक्वल टू 5 केजी पर मीटर. हाइट ऑफ द बॉटम चार्ज इज 1.3 इंटू बी मैक्सिमम, यू कैन कैलकुलेट, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड बी मैक्सिमम. Weight of the bottom charge is equal to IB multiplied by HB. So we have already calculated IB and HB. You can calculate the quantity of the bottom charge, which is 21 kg in 4.2 meter. Yani bottom ke drill hole ke 4.2 meter tak hum ye bottom charge dalenge, aur wo hoga hamare paas 21 kg in this specific condition agar hum emulite use kar rahe hain. Theek hai. Stemming chunki already प्रैक्टिकल बर्डन के इक्वल होता है, विच इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड 2.66 मीटर, यानी 2.66 मीटर जो हमारे पास वो ड्रिलिंग होल का जो लास्ट पार्ट होगा, तो वो 2.66 मीटर को हमने नॉन एक्सप्लोसिव मटेरियल से उसको फिल करना है. कंसंट्रेशन ऑफ कॉलम चार्ज, फिर बॉटम चार्ज के बाद कॉलम चार्ज आता है, और फिर उसके बाद स्टेमिंग आती है. तो कॉलम चार्ज को हम ऑलरेडी हमने कहा कि दिस 40-60% ऑफ द बॉटम चार्ज, सो इफ यू टेक इट 50%, सो 50% इज 0.5 मल्टीप्लाई बाई बॉटम चार्ज हमारे पास जो है वो 5 के जी पर मीटर है, तो ये हमारे पास आ जाता है 2.5 के जी पर मीटर, ठीक है. हाइट ऑफ द बॉटम कॉलम चार्ज इज टोटल हाइट ऑफ द होल माइनस हाइट ऑफ द बॉटम चार्ज माइनस स्टेमिंग, तो ये हमारे पास कॉलम हाइट ऑफ द कॉलम चार्ज आ जाता है, विच इज 9.90 मीटर्स, ठीक है. इस तरह क्या करते हैं, दिस शुड नॉट बी वेट ऑफ द कॉलम चार्ज, हाँ वेट ऑफ द कॉलम चार्ज, या इसको हम क्वांटिटी ऑफ द कॉलम चार्ज भी कह सकते हैं, तो दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द कॉलम चार्ज मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ द कॉलम चार्ज, which is 24.75 kg
in this case. So in 9.90 meter, we have to fill this space with 24.75 kg of the amylite in this given condition. Okay. So to calculate total charge, we calculate bottom charge plus column charge. अभी अगर हम लेट सपोज ये बॉटम चार्ज और कॉलम चार्ज एक ही रखते हैं, पूरा एमोलाइट यूज करते हैं, तो फिर जरूरत क्या है, हम क्यों ना हम बस एक ही पूरा कॉलम चार्ज टोटल चार्ज क्यों नहीं कैलकुलेट करते, हम अलग अलग क्यों कैलकुलेट करते हैं? तो ये इसकी वजह भी यही है कि हम बॉटम चार्ज में हम हाई एक्सप्लोसिव यूज करते हैं, कॉलम चार्ज में हम लो एक्सप्लोसिव यूज करते हैं, तो इसे हम दूसरों को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट पता हो कि हमने कितना लो एक्सप्लोसिव यूज करना है, कितना हाई एक्सप्लोसिव यूज करना है, डिपेंडिंग ऑन राइट सर। इस तरह स्पेसिफिक चार्ज है कि हम पर क्यूबिक मीटर हम कितना हमें चाहिए होगा एक्सप्लोसिव, तो उसी केस में हम इन केस ऑफ बरीज है या ओपन पिट माइंस है ये फार्मूला यूज करते हैं, और इन केस ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन है उस केस में हम फिर ये फार्मूला यूज करते हैं। ऑल वैल्यूज गिवन है, पुट करें, ये इस केस में हमारे पास 0.4 केजी पर क्यूबिक मीटर हमारे पास ये इतना एक्सप्लोसिव चाहिए होगा। सो दिस इज अ समरी ऑफ ऑल दिस डेटा व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड। Drilling and charging tables. So there are some tables which have data. The following tables give the computed key data for different blast hole diameters. Again, अगर हम blast hole dia change करते हैं तो उससे related जो all other factors हैं तो उसकी values given. The table gives the values of the bench height other than 2B maximum, that is lower benches will be dealt with separately. ये कुछ ऑलरेडी टेबल गिवन है बुक में, अगर आप देख लें तो अगर होल इंक्लिनेशन उसमें सारे कंडीशंस गिवन है, ये आप अगर पेज 79 पे देख लें बुक में ना, तो उसमें हर टेबल की एक कंडीशंस गिवन है कि अगर होल इंक्लिनेशन 3:1 है और एक्सप्लोसिव हमारे पास इमोलाइट 150 है, होल डाया 40-29 मीटर मिलीमीटर है, तो हम क्या क्या बाकी वैल्यूज क्या हम यूज करेंगे या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप देख ले पेज नंबर 79 पे बुक में, ये आप देख ले, तब यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है कि ब्लास्ट होल डाया 34-26 mm, एक्सप्लोसिव अगर एमोलाइट 150 यूज कर रहे हैं, इंक्लिनेशन ये यूज कर रहे हैं, तो आपके पास ये वैल्यूज आएंगे, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं। ठीक है, तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर कोई कंडीशन आपका इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो और जो ये कंडीशन मीट कर रहे हो तो आप यहाँ से भी ये वैल्यूज यूज कर सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट होल डायस, 31 mm, 32 mm, 33 mm, 34 mm, और दीज आर होल डेप्थ्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेंच ब्लास्टिंग एंड चार्ज कैलकुलेशन। Okay.